तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपका कॉर्पोरेशन में खाता था तो वो ट्रांसफर हो चुका है यूनियन बैंक में और अकाउंट नंबर भी चेंज हो चुका है। और मैं वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊंगा इसमें एटीएम कार्ड आपका काम करेगा कि नहीं काम करेगा और नया पासबुक लेने के लिए रिक्वेस्ट कैसे करें अपने बैंक में जाके एंड आपको नया पासबुक कैसे मिलेगा जल्दी से। आपको बैंक में जाना है और आपको प्रोसेस में आगे बता रहा हूँ, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं इसे इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें आपको तक पहुँचाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए अच्छा से कमेंट कर दीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं बैंक गया था और बैंक जाने के बाद हमने बोला कि मैंने पैसा जमा किया तो मेरा पैसा जमा हो गया, कॉपी दिया मैंने जैसे बैंक में, तो वो बोले ये कॉर्पोरेशन की कॉपी अब काम नहीं करेगी, आपका नया पासबुक बनेगा तो अपना खाता नंबर बता दीजिए एंड एरा वगैरह पूछेंगे कुछ आधार कार्ड से बोलेंगे। और आपका ये देखिए जो पासबुक दिख रही है यूनियन बैंक का, तो ये भी आपको दे दिया जाएगा नया छाप के। और इसमें आपका ये कॉर्पोरेशन का जो कॉपी है इसमें देखिए कुछ लिख दिए हैं काट पीट के, ऐसे कुछ लिख दिए हैं काट के ऐसे। अब ये कॉपी काम नहीं करे, ये किसी काम की नहीं है, ये ऐसे बैंक में जाकर देखेंगे तो ये कॉपी ऐसे बहुत सारी फेक ही रहती हैं और कोई कस्टमर नहीं ले गया रहता है तो। और इसमें बता दें कि खाता नंबर भी आपका चेंज हो चुका है, अगर आप इसमें का खाता नंबर मिलाएंगे तो कुछ इसमें अलग खाता नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे लास्ट में 2567 दिख रहा है लास्ट में। अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ ध्यान से, कॉर्पोरेशन सेम मेरा ही नाम से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2567 एंड इसमें देख सकते हैं मेरा भी नाम यही है, मैं सेम पासबुक विशाल एंड इसमें खाता नंबर आप देखेंगे तो इसमें चेंज हो चुका है, इसमें लास्ट में 1517 है, उसमें 2567 है। तो ऐसे ही आप बैंक में जाइएगा एंड और मैं अभी बता देता हूँ ये एटीएम चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। दोस्तों अभी एटीएम में तो कोई प्रोसेस नहीं है, अगर फिर से अगर एटीएम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये कॉर्पोरेशन जैसे ही इसका डेट एक्सपायर होगा, जैसे कॉर्पोरेशन में एक्सपायरिंग डेट होगा तो तब तक ये कार्ड चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो अगर कार्ड नहीं एटीएम शो करेगा, अगर नहीं चलेगा फिलहाल तो अभी चल रहा है, मैं इसे ट्रांजेक्शन कितनी बार बहुत बार कर चुका हूँ, पैसा भी निकल रहा है। अगर नहीं काम करता है तो आप अपने बैंक में जाइएगा, संपर्क करिएगा तो बोलिएगा हमको एटीएम कार्ड चाहिए, तो पूछेंगे क्या पहले आपका एटीएम कार्ड बना है, तो अगर बना होगा तो हाँ करिएगा, नहीं बना है तो बता दीजिए उनको लोग को और आपको बता देंगे, नया एटीएम कार्ड अप्लाई करके दे देंगे। सिर्फ जस्ट 10-15 मिनट का प्रोसेस होता है, एटीएम कार्ड तुरंत मिल जाता है, यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड मिल जाएगा और यूनियन बैंक का कॉपी भी मुझे पासबुक मिल चुका है। अगर बहुत लोगों की ज़रूरत होती है पासबुक की, जैसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होगा कहीं देना होगा तो अब नया पासबुक लगाइएगा, पुराना मत लगाइएगा। बट अभी अगर लगाते हैं, अगर इससे पैसा जमा करते हैं तो पैसा जमा हो जाएगा बट इस पर प्रिंट नहीं होगा बस, बाकी ये फिर से आपको कॉर्पोरेशन का जगह पर ये यूनियन बैंक का मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग लाइक किए हैं, और आप लोग अगर कमेंट कर दीजिएगा जैसे कि मैं कोई गिवे लाता हूं तो आप तक गिवे पहुंचा सकूं एंड आपको मैं हेयर देता हूं। चलिए फिर वीडियो को भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।